कोरोना के प्रति चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में तृतीय लिंग के लोग भी सामने आ रहे हैं। इनके द्वारा लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ ही मास्क लगाने और टीकाकरण के लिए भी अपील की जा रही है। दुर्ग में चलाए जा रहे रोको टोको अभियान में शामिल होकर तृतीय लिंग वर्ग के लोग चौक चौराहों और दुकानों में जाकर लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं और कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए समझाइश भी दे रहे हैं। दुर्ग के ग्रीन चौक में चलाए जा रहे आज कोरोना जागरूकता अभियान में शामिल होकर उन्होंने लोगों को जागरूक किया। दूरदर्शन से चर्चा के दौरान कंचन और टिंकू ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर फैली अफवाहों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। एक ये संदेश देना चाहते हैं कि लोगों के बीच में जो भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन को लेके, उसको हम दूर करना चाहते हैं कि वो वैक्सीन लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लगाएं। और आज जो छत्तीसगढ़ शासन और यूनिसेफ एमसीआर ने जो पहल चालू किया है रोको टोको अभियान, उस पर हम शामिल होकर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं और समाज के हम सभी वर्गों से ये उम्मीद करते हैं कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीनेशन करवाएं अपना। वैक्सीनेशन जो सरकार ने निकाली है वो लोगों की सुरक्षा के लिए निकाली है और वैक्सीन सभी को लगाना चाहिए। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं जो डरती है कि मेरा बच्चा कुछ हो ना जाए, तो वैक्सीन सबको लगाना चाहिए, सबके लिए सेफ रहे। हमने भी लगाया, आप लोग भी लगाइए। गौरतलब है कि शासन के सहयोग से पिछले कई महीनों से सामाजिक संस्था द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है।